हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइकिल कंपाउंड्स, मतलब ग्रीन में बाईसाइकिल का नेम हम कैसे देते हैं वो सब देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ईजी है, हर एक एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हम चल देखते क्या कैसे देते हैं उसको नाम को। इसके नाम में ये देखा है, देखो बाईसाइकिलो, बाय मतलब दो और साइकिल मतलब दो रिंग्स, मतलब दो रिंग में जो जुड़ी रहते उस रिंग को हम नाम कैसे देते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिया है, ए एक रिंग है और ए एक रिंग है, बीच में दो उनको डिवाइड किया है, उसको बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स। ब्रिज मतलब वो एक ब्रिज है, हम बोलते ना क्या नदी के ऊपर एक ब्रिज रहता है, वैसे दो रिंग के बीच में जो एक ब्रिज रहता है हम उसको बोलते ब्रिज बोलते हैं, और जहाँ पर वो कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रिज पोजिशन। सो दोस्तों ना, आप याद रखिए हमेशा कि यहाँ से ही हमारा नाम स्टार्ट होता है और उसके कुछ रूल्स है वो देखेंगे। बिग टू लो नंबरिंग मतलब रिंग के साइड में काउंट करने हैं। यहाँ पर देखिए बाईसाइकिलो, उसको डिवाइड क्या होते हैं, बी मतलब बिग, लो मतलब लो, सो बिग से लो। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है, वैसे ही यहाँ पर इस साइड में देखिए ब्रिज कार्बन छोड़ दो ना, छोड़ देने के सबसे पहले पूरे कार्बन काउंट करें, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ओके, सो ब्रिज पोजीशन पर कितने हैं, दो है, तो वो दोनों को एक बार छोड़ देना और उसके लेफ्ट साइड में देखना कितने हैं, यहाँ पर भी कितने 1 2। ओके, और इस साइड में कितने हैं 1 2, ये हो गए हमारे ब्रिज पोजीशन। सो सबसे पहले उस नाम के लिए आपको क्या करना होता है, बिग रिंग काउंट करनी होती है। यहाँ पर देखिए बिग टू लो मतलब जिस साइड में ज़्यादा कार्बन हो उस साइड में सबसे पहले नंबरिंग देना, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। और दूसरा क्या है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज पोजीशन, ब्रिज मतलब ये यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, और हाईएस्ट देन लोवेस्ट देन लोवेस्ट मतलब सबसे पहली बड़ी देन छोटी फिर देन छोटी। ओके, तो चलिए उसमें तीन बार आएंगे, एक तो राइट साइड वाली, एक तो लेफ्ट साइड वाली और बीच में ब्रिज पोजिशन। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है, उसका नाम देखते हैं। सबसे पहले आपको पैनेट ने मतलब बाईसाइकिलो, हर एक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, बाईसाइकिलो लिख दिया हमने, 220 हेक्सेन। हेक्सेन मतलब क्या है, हमारा टोटल कार्बन कितने हैं हमारे स्ट्रक्चर में, ये देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बिग कार्बन किस साइड में है, यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों भी साइड में दो ही दो मतलब दो दो ही है, दो ब्रिज पोजिशन पर है और दो क्या दो लेफ्ट साइड में है और दो राइट साइड में है। सो आपको मैं सबसे पहले ऐसे बताता हूँ, ये देखिए पेंट से नोट डाउन करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए रिंग आपको ब्रिज पोजीशन दी गई होती है, उसको छोड़ देने होते हैं, बट आपको काउंट वहाँ से ही करना होता है। सबसे पहले किस साइड से काउंट करना होता है, कि उस साइड में ज़्यादा कार्बन हो, बट यहाँ पर दोनों भी साइड में सेम कार्बन है, सो हमने इस साइड में लिया, इस साइड में लेते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सबसे पहले हमने क्या लिया, बाईसाइकिल, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर बाईसाइकिल दिख रहा है, 2 2 0 मतलब दो मतलब एक साइड के दो, नेक्स्ट साइड के दो, और बीच ब्रिज रिंग में कितने कार्बन है हमारे, कुछ भी कार्बन नहीं है, सो यहाँ पर आ गया 0। और हेक्सेन मतलब कितने, 2 2 4 और ब्रिज रिंग के 2 मतलब 6। मतलब सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, नाम मतलब फॉर्मूला याद रखना है, कि सबसे पहले तीन पार्ट्स में हमारा नाम डिवाइड होगा। सबसे पहले बाईसाइकिल आएगा, हेक्सेन मतलब हमारे पूरे कार्बन कितने हैं स्ट्रक्चर में, उतने कार्बन आएंगे, और बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर्स बोलते हैं, हाईएस्ट साइड में कितने, हाईएस्ट साइड में, फिर लोवेस्ट साइड में, फिर लोवेस्ट साइड में। यहाँ पर ए हो गया हमारे हाईएस्ट साइड, उसके बाद ए हो गया हाईएस्ट साइड, और ए हो गया हाईएस्ट साइड, वैसे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए नाम कैसे लिखा जाता है, साइड चेन प्लस बाईसाइकिलो, अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ साइड चेन हो उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद बाईसाइकिलो लिखना ही लिखना है। फिर बिग टू लो मतलब तीन रहेंगे हमारे, हमें तो पता है बाईसाइकिलो मतलब दो साइकिल्स है, उसमें एक साइकिल में कुछ बड़े कार्बन्स होंगे मतलब ज़्यादा कार्बन होंगे, उससे बाद छोटे फिर छोटे ऐसा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, ओके फंक्शनल ग्रुप मतलब कितने कार्बन से हमारे, वो हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको बड़े, फिर से यहाँ पर दो दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दो दिख रहे हैं, और बीच में एक ब्रिज पोजिशन है हमारी, वहाँ पर एक कार्बन है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाईसाइकिलो लिखते हैं, फिर दो इस साइड के दो, इस साइड के दो, और हमारी ब्रिज पोजीशन का एक, सो हमारे हो गए 2 2 4 और 1 5, ये हो गए हमारे बीच के। और हिफ्टिंग क्यों लिखा हमने, और फिर हमने काउंट किए हमारे ब्रिज रिंग के भी दो काउंट किए, 2 4
पाँच और एक छः सात, ओके। सो इस तरह से हो गया हमारा हेप्टेन। उसको हम ऑफिशियल नेम क्या है उसका, नॉरबोर्निन, ओके। नेक्स्ट देखते चलो, नॉरबोर्निन यहाँ पर देखिए ई एन ई आ गया, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड ऐड हो गया, सेम स्ट्रक्चर है दोस्तों। बट हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है ब्रिज पोजिशन से। बट दोनों तरफ सेम सेम ही कार्बन है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, बट इस साइड देखिए डबल बॉन्ड है। सो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमारा ब्रिज पोजिशन का नंबर 7, बायसाइक्लो 2 2 1, हेप 2 एन ई, बिकॉज 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, सो उसको बोलते हैं 2 इन हेप्टिन, हेप 2 इन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या दिख रहा है आपको, नाम मत देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रिज पोजिशन पर हमने सबसे पहले मार्क कर दिए, ब्रिज रिंग पर कितने कार्बन है, सिर्फ एक ही है। इस साइड कितने हैं, लेफ्ट साइड में कितने हैं, दो है, एक और दो। राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले बायसाइक्लो लिखना है और हाईएस्ट साइड से काम काउंट करने है। इस साइड कितने, एक दो तीन है ब्रिज रिंग के, कार्बन छोड़ के कितने कार्बन से, एक दो तीन कार्बन से, तो लिख दिया 3। उसके बाद उस साइड में कितने हैं, दो है, सो लिख दिया 2। ब्रिज रिंग पर कितना है, एक है, सो लिख दिया 1। और सब कार्बन कितने टोटल हमारे, ये बीच के काउंट कर रहे हैं, 3 और 2 = 5 और 1 = 6। 6 में 2 मिला के कितने हो गए हमारे, हेक्सेन प्लस 2 ऑक्टेन, ओके। मतलब 2 कौन से ऐड होते हैं दोस्तों, ब्रिज रिंग के जो रहते हैं ना, हम उसको ऐड करते हैं, उनको मिला के करते हैं ऑक्टेन। सो ये हो गया हमारा इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर। क्या किया हमने, पहले बिग देखे, बिग मतलब लास्ट किधर कार्बन, कितने कार्बन से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 5, एक बीच में 6 और 2 साइड के 8, ओके। यहाँ पर देखिए ब्रिज रिंग हमने सबसे पहले कहाँ पर ब्रिज रिंग है वो देखना है, यहाँ पर ब्रिज रिंग है। इस साइड कितने हैं, 1 2 3 4, ओके छोड़ दिया। इस साइड कितने हैं, 2 1 2, छोड़ दिया। ब्रिज रिंग पर कितने, 0 मतलब 0, 4 2 0, बायसाइक्लो 4 2 0 6, और फिर से 2 ऐड कर रहे हैं उसमें ऑक्टेन, ओके। बायसाइक्लो 4 2 0 ऑक्टेन, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए कुछ पैरेंट लिखा है हमने, मतलब क्लोरीन अटैच है हमारे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी ब्रिज पोजीशन ये करनी होती है, हमें डिसाइड करनी होती है कि क्या है ब्रिज पोजीशन। हमारी ब्रिज पोजीशन देखो, 1 और 1, साइड में कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, ओके। बीच में कितने, 1 2, ब्रिज पोजीशन पर 2 है, और साइड में कितने हैं, 1 है, वहाँ पर भी क्लोरीन अटैच है। मतलब हमारे ब्रिज पोजीशन पर ज़्यादा कार्बन हो तो हमें उसको बीच में लिखना होता है, बीच में मतलब जितने कार्बन हो, अगर ज़्यादा ब्रिज में ही होंगे तो हमें ब्रिज पोजीशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता होता है। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग लिख दी, ज़्यादा से स्टार्ट की, ब्रिज पोजीशन से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ब्रिज पोजीशन पर ज़्यादा थे इसलिए ब्रिज पोजीशन पर हमने उसकी नंबरिंग दी थी, फिर क्लोरीन को अटैच किया। सो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। 8 नंबर पर क्लोरीन है, 8 क्लोरो, बायसाइक्लो 3 2 1, 3 इस साइड ब्रिज पोजीशन पे 2 और इस साइड 1। सो ये हो गए 3 और 2 = 5 और 1 = 6 और 2 + 8 ऑक्टेन। 2 किसके कार्बन है दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए 5 और 6 हमारे मतलब ब्रिज पोजीशन के 2 कार्बन से उसको ऐड करना होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए ब्रिज पोजीशन क्या है दोस्तों, 1 और 5 के बीच जो है उसको बोलते हैं हम ब्रिज पोजीशन। और ब्रिज पोजीशन पर एक कार्बन है मतलब ये डैश है, मतलब उसको 2 मिथाइल ग्रुप हमारे अटैच है, इस साइड भी इस साइड भी। तो चलिए नंबरिंग कैसे देंगे हम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, 3 कार्बन से, बीच में भी एक है, 7 नंबर पे भी एक है, बट बीच में भी देखिए ब्रिज पोजीशन वहाँ पर हमारे साइड चेन है, मतलब साइड चेन मतलब कुछ तो ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। सो सबसे पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे, 6 6 डाइमिथाइल बायसाइक्लो 3 1 1 हेप्टेन, ओके 3 1 1 हेप्टेन, ये हो गया। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों, स्ट्रक्चर में एडिशनल कहाँ पर है, कुछ ग्रुप्स कहाँ पर अटैच है, अगर 2 2 है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, बट इस साइड में देखिए कुछ तो अटैच है, उसके लिए हमें उसे प्रेफरेंस देना होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, हमारी ब्रिज पोजिशन हो गई 1 और 5 के बीच, हमारी ब्रिज पोजीशन हो गई। 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, 6 नंबर पर क्लोरिल ग्रुप है, मतलब नंबरिंग मैंने बाद में दी है, सबसे पहले हम याद रखना पड़ता है। हमें सबसे पहले क्या है,
काउंट करना है, 1 2 3 4। हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, बट हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी ना, सो लॉन्गेस्ट चेन इस साइड है, सो हम इधर से स्टार्ट करते बिकॉज इस साइड से लॉन्गेस्ट चेन भी हम अटैच करते हैं और हमारा 2 नंबर पेयर भी हमारा हाइड्रोजिल ग्रुप आता है। सो ए हो गया हमारा नेम 6-chloro-bicyclo-3-1-1, मतलब 3 मतलब 1 2 3, 3-1-1-4-5 और hep 10-2-ol, मतलब 2 नंबर पर हमारा हाइड्रोजिल ग्रुप है। सो इसी तरह से हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसी तरह से बाकी के भी स्ट्रक्चर है दोस्तों, अभी आप देख लीजिए।